एक तरफ तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और आप सड़कों पे घूम रहे हो। तो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन पहली बार तो बहुत लेट किया है, और पिछले 15-20 रोज से स्टेट के हमको पता है कि कैसी स्थिति हो रही है। कानून व्यवस्था हमारे दौसा में कई मरण रोगे भी इन दिनों में, तो उनको जल्दी करना चाहिए था। और हम तो क्या है कि जनता का आभार व्यक्त करने जा रहे हैं, धन्यवाद देने जा रहे हैं कि जनता ने हमको बहुत भारी बहुमत से चुनाव जिताया। तो शासन नए साल का भी हम मुबारकबाद दिया थे, जो काम वोट दिया उनको धन्यवाद दिया थे। काफी टाइम लगा मंत्रिमंडल को, और जिस तरीके से बना है तो किशोरलाल मीणा का कैबिनेट में नाम आया, किस तरीके देखते हैं, इतना डिले क्यों हुआ, क्या कारण ये हुआ? तो उनका अंदरूनी मामला है, डिले करने में आम जनता को नुकसान होता है। उन्होंने डिले क्यों किया है, बीजेपी पड़ जाने नहीं, ऐसा लगता है कि राजस्थान से पर के हटके केंद्र इसको पूरा मैनेज कर रहा है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री तो एक मोहरा है, लेकिन बाकी सारा काम दिल्ली से ही हो रहा है। अभी उन्होंने आपको पता है कि जो जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उसको उन्होंने राज्यमंत्री का दर्जा दे दिया, ये सीधा सीधा चुनाव आयोग का उल्लंघन नहीं है क्या? इस पे तो गोविंद सिंह चौटासरा ने भी हमला बोला था कि सब बड़े सवाल उठाए हैं। निर्वाचन जो भी चुनाव निर्वाचन आयोग को, मैं तो ये कहूंगा कि चुनाव को रद्द कर देना चाहिए, उसको मंत्री पद को बर्खास्त करना चाहिए। इस तरीके से आप लगातार, जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, राहुल गांधी एक बार फिर वो यात्रा लेकर निकल रहे हैं, उसके बाद में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा लेकर निकले हो, अब फिर एक बार फिर सड़कों पर लगातार चुनाव जीतने के बाद लगातार सड़कों पर है आप लोग, किस तरीके का मैसेज दे रहे हो, पहले कितना फायदा मिला था सड़कों पर उतरने देखो, का? जो नेता जनता के जितना संपर्क में रहेगा उतना ही उसको फायदा है, जो पार्टी जनता के जितना संपर्क में रहेगी उतना ही उसको फायदा होता है। और यही कारण है कि हम इन परिस्थितियों में भी बीजेपी ने सारे हथकंड अपना लिए, फिर भी हम 31-32 हज़ार चुनाव जीते, क्योंकि जनता के संपर्क में रहना जरूरी है। दोस्तों की बात करें तो एक सीट आई है कांग्रेस के खाते में, और सबसे बड़ा मुद्दा ईआरसीपी और पानी का, जो पूरे चुनाव में लगातार हावी रहा है, पानी का मुद्दा। एआरसीपी में पूरी राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या है, और हमारी सरकार ने इसको ऊपर पैसा भी दिया था, काम भी स्टार्ट करवा दिया था, और बीजेपी ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करी नहीं। अब 2-3 रोज पहले मीटिंग करी है, मैं समझता हूँ इनको शीघ्र इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके तेजी से काम करना चाहिए। कांग्रेस की बात कर लेते हैं, अब कांग्रेस में प्रतिपक्ष उपप्रतिपक्ष और पीसीसी की बात चल रही है, अध्यक्ष की बात चल रही है, तो किस तरीके मानते हैं कांग्रेस की राजनीति अब कहां तक ठहरने वाली जाती है? मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, मैं जो हाईकमान करे वो मंजूर है, मैं अपने क्षेत्र में काम करता रहता हूँ। आप अपने क्षेत्र में काम करते रहते हैं, लेकिन सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया, क्या सचिन पायलट को बाहर भेजना जरूरी था या राजस्थान में रखना जरूरी था? मैं समझता हूँ हाईकमान जो जरूरत समझा वो करेगा, उनको उनका जहाँ वहाँ भेजना भी उचित होगा, इसलिए किया होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव हमारे राजस्थान में तो काम कर ही रहे हैं। लोकसभा की भी आ रहे हैं सेमीफाइनल, तो आप हार गए हैं लेकिन अब फाइनल है, तो किस तरह की तैयारी रहेगी, क्या मुद्दे अब रहने वाले हैं लोकसभा में? पहली बात तो हमारी जो सरकार की योजना है जो बीजेपी ने भ्रमित कर दिया था, और उन योजनाओं को जनता ने नजरअंदाज करके बीजेपी को वोट दिया था, अब कई योजना उनमें से बंद कर दी, हमारे सारे काम बंद कर रहे हैं, वो टेंडर कैंसिल कर रहे हैं, विकास के कामों को रोक रहे हैं, ये सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता निश्चित समझ चुकी है गवर्नमेंट तो कांग्रेस ही ठीक थी, कुछ बढ़ती परीक्षा भी रद्द की है सरकार ने, जनता इस बात को देख रही है, इसका जवाब उनको लोकसभा में दे देगी। सिलेंडर भी तो दे रहे हैं 450 में, वो उनका घोषणा थी, हमारी घोषणा थी, हमारी घोषणा थी, हमारी सरकार तो हम भी देते, हम तो पेंशन बढ़ाते, और हमारी कई घोषणा थी, हमारी 7 पुरानी गारंटी थी, उन गारंटी को हम देते थे, हमारी सरकार आती थी। जरूर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये थे विधायक मुनाल, जिन्होंने साहब कहा विपक्षी भूमिका हम पूरे दोस्त तरीके से उठाते रहेंगे। संदीप मीणा, दोसा, राजस्थान का।